दोस्तों अभी हम पहुंचे थे हैदराबाद की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ये एक ढाबा पड़ता है, तो इस तरफ से ओपन सा ढाबा और इस तरफ से ये देख रहे हैं जो बसेस वगैरह साइड में खड़ी हैं, इस तरफ से इम्पोर्टेंट बसेस जो हैं वो हैं और इस तरफ में लोकल्स और इस तरफ में जो हैं और भी काफ़ी सारी बसें और इम्पोर्टेंट ये जो ढाबा है इस तरह से है, ऊपर बैठने का इंतज़ाम और टेंकी पानी वाली रखी हुई है और इस तरह से बहुत सारे फट्टे जो हैं वो लगे हुए हैं और साथ साथ जो करीब करीब के कंट्री है उनमें भी हो जाते हैं। तो दोस्तों इस टाइम हम मौजूद हैं डंडो अलैयार में, यहाँ से हम जाएंगे मंदिर जो कि रामा पीर का, यहाँ से बहुत बड़ा मंदिर और पुराना मंदिर है। ये मेरी बैक साइड में देख रहे हैं, ये मेरे जो यात्री हैं बस वाले वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं और इसके अलावा ये जो है ये सारी मार्केट है, मार्केट के अंदर से यहाँ ये होता हुआ रास्ता जाएगा मंदिर की तरफ। तो अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं और जाके हम आपको दिखाएंगे मंदिर जो है। हम मार्केट से क्रॉस हो रहे हैं, ये सारी मार्केट है डंडो अलैयार की जिसमें फ्रूट्स वगैरह हैं और हमारे जो साथी यात्री हैं वो भी साथ साथ आ रहे हैं और यहाँ के जो हैं यहाँ के लोग मकामी जो हैं वो भी मार्केट में चल रहे हैं। ये जो है डंडो अलैयार की मार्केट है, सब्जियों के स्टॉल लगे हुए हैं, मिठाइयाँ हैं और ये जो हैं सिंध, यानी कि डंडो अलैयार जो है सिंध का सेंट्रल है और ये जो है उसकी मार्केट है और मेन जो है हम पहुंचने वाले। जी चाचा क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? बहुत क्या नाम है? रामचंद। रामचंद राम भाई नाम का आपका। तो गाइस दोस्तों ये जो है हमारे रामचंद भाई हैं और हमें इन्होंने बुलाया बेसिकली, तो ये जो है हिंदू हैं, हिंदू है ना आप? जी हाँ जी। हमें देखें मार्केट के अंदर जो है रामचंद भाई बेच रहे हैं ये जो फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं, क्या रेट है इसका? 150 चल रहा है। 150 रुपये किलो ये बेच रहे हैं और ये वो 50-60 रुपये। कैसे गुजर बसर कैसे हो? बस सुखर है, 500-600 रुपये ले आते हैं, 500-600 रुपये घर का खर्चा चल रहा है। अच्छा यहाँ पे जो है हिंदूज वगैरह और भी शॉप वगैरह चलाते हैं? हाँ। अच्छा मतलब सब्जी वगैरह भी सेल करते हैं? हाँ। सारे काम करते हैं? हाँ जी। खुश हाल है सब? ठीक है बस अल्लाह का करम है, 500-600 रुपये कमा रहे हैं अपना, 100-70 से गुजारा कर रहे हैं बस। अच्छा तो दोस्तों ये देखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे भाई रामचंद जो हिंदू थे और हम मार्केट में फ्रूट्स वगैरह सेल कर रहे थे। तो मतलब पंजाब में बहुत कम लेकिन सिंध के अंदर आपको हिंदुओं की बड़ी बड़ी दुकानें फ्रूट्स वगैरह और इस तरह की दुकानें जो हैं मिलेगी सिंध के अंदर। फ्रूट्स वगैरह की दुकान जो हैं वो हैं और चारपाई वगैरह। अच्छा तो इसको पंजाब में रोगनी नान और इधर जो है कुछ और ही नाम से बुला रहे हैं। तो ये जो है सिंध में नान की दुकान, इधर जो है चपाती लग रही है और ये है मेन बाज़ार जिसकी तरफ हम आगे जाने वाले हैं। बाज़ार ये रोड वगैरह और जो है इन मार्केट की जो हालत है वो आपके सामने है, तो आपको मिल करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको रोड्स और ये जो मार्केट कैसी लगी। और चलते हैं हम मंदिर की, मंदिर के हम सामने पहुँच चुके हैं, रश बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही लोग स्लो स्लो इंटर होंगे तो हम भी होंगे और आपको हम जाके मंदिर का अंदरूनी हिस्सा वो दिखाते हैं। रश बहुत ज़्यादा है, पंजाब से 2000 बसेस जो आई हुई हैं, ऑल ओवर जो है 5000 बसेस यहाँ पे आती हैं पंजाब से, 1500 से 2000 बसेस जो आती हैं तो यहाँ पे आके स्टे करती हैं, तो इधर जो है बहुत ज़्यादा रश है और अंदर हम जाके देखते हैं कि अंदर का क्या सीन है। तो दोस्तों ये है मंदिर का बाहर का व्यू और ये जो है रामा पीर का मंदिर है, मंदिर श्री रामदेव अवतार का मंदिर है। तो यहाँ पे जो है मैं आप अंदर जाकर दिखाऊंगा, भादों की 9 तारीख को जो चांद की 9 होती है उस दौरान पे यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है और पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो रामा पीर का मेला है वो यहाँ पे लगते हैं। तो यहाँ पे और मंदिर भी बहुत खूबसूरत है और जो रामा पीर का पाकिस्तान में वाहद एक ऐसा मंदिर है जो इतनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है, मज़ीद हम आपको अंदर जा के दिखाते हैं। मंदिर के अंदर जाने वाले हैं, अरविंद भाई भी जो है वो भी आए हुए हैं और पाकिस्तान में जो जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो हैं। तो ये जो है रामा पीर का मंदिर की सजावट के साथ सजाया गया, ये कितने साल पुराना है? ये बिल्कुल पुराना है, तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले का। पाकिस्तान बनने से पहले पहले का। अच्छा तो दोस्तों यहाँ के जो मकामी हैं वो हमारे साथ हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो है पाकिस्तान बनने से पहले का है जो है। और रामा पीर को मानने वाले जो हैं वो मारवाड़ी हो गए, भील हो गए और जितने भी इसके अलावा जितने भी पाकिस्तानी हिंदू हैं वो जो है रामा पीर को मानते हैं और जो भादू के मेले में मेला होता है तो वो यहाँ पे आते हैं। और ये जो है इसके छत का इंटीरियर है जो बहुत ही खूबसूरत जो है शीशा गिरी के साथ इसका काम हुआ है, बहुत ही खूबसूरत जो है पुराने दौर का जो काम हुआ करता है वो है शीशा के काम हुआ है। और मज़ीद जो हम जाके दिखाते हैं मंदिर का अंदर का हिस्सा जो इतना ही खूबसूरत है जो हमसे बाहर से नज़र आ रहा है, अंदर जाकर हम देखते हैं कि ये हमें कैसा नज़र आता है।
यात्रा के लिए जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, लाइन में लगे हुए हम, तो देखते हैं कि हम यात्रा कर पाते हैं। तो दोस्तों ये है मंदिर का इंटीरियर हिस्सा जो कि बहुत ही खूबसूरत जो है वो सजाया गया है। इसकी छत देखें तो छत बहुत ही खूबसूरत शीशा और इतना बड़ी काम किया गया है, और इस तरह से देखें तो गोल्डन शीशा जो इंटीरियर है। और यहाँ पे जो है बाबा रामदेव जी हैं, और बाद में जो है इधर हज्जी भाटी जो है वो साइड में हैं, और ये जो है ये हैं रामावीर का मंदिर का जो मेन स्थान है वो ये हैं। और बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हम जा रहे हैं बाहर, और जो दूसरा हिस्सा वो हम आपको दिखाते हैं। रामावीर का मंदिर का अंतरण हिस्सा यहाँ पे जो है पूरे पाकिस्तान से जो है लोग आए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जाना है हिंगलाज यात्रा की तरफ, तो यहाँ से होके जाएंगे। तो ये था रामावीर का जो है स्थान, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। शेरवाली माता हैं, माता रानी हिंगलाजी माता, हम इसी के मेले पे जा रहे हैं। इधर जो हैं कृष्ण भगवान और उनके साथ है राधा जी, और उस साइड में भी इसी तरह से मंदिर है। और हम आपको अब जो है बाहर लेके चलते हैं जहाँ पे और भी मंदिर का हिस्से हैं, और बाहर भी भजन कीर्तन होने की भी जगह है। ये जो सारी जगह है ये मंदिर का ही हिस्सा है, ये भी जो है मंदिर का ही हिस्सा है। ये जो है स्वामी पर निवास, यह सिंधी में लिखा हुआ तो मुझे थोड़ा पढ़ने में थोड़ी दुश्वारी है। हाँ जी, अच्छा, तो ये स्थान जो है ये सारे ये बुजुर्ग हैं इधर। अच्छा, जो जिन्होंने सेवा की है। जी हाँ, अच्छा, सेवा की है। हाँ, अच्छा, तो दोस्तों ये जो हैं इस मंदिर पे जिन्होंने सेवा की है वो भी उनका भी साइड में यह स्थान बना हुआ है। इतनी खूबसूरती के साथ जो है ये भी जो है डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है। तो चलते हैं हम जहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं, और मज़ीद हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये मंदिर का ही हिस्सा है मेन, यहाँ पे जो है लंगर भंडारा वगैरह चलने का जो है जल प्रसाद वगैरह की सेवा होती है। अच्छा, यहाँ पे और ये ऊपर जो कमरे रहाज, तो ये जो है ये ऊपर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग है रहाज के लिए जो है, और इस साइड में भी देख रहे हैं और भी काफ़ी सारे कमरे हैं, लेकिन हम आपको लेकर जाने वाले हैं जहाँ पर भजन कीर्तन होता है। हाँ जी, सारी रहाइश है। तो ये जो है ये खुला सा स्थान है, यहाँ पे भजन कीर्तन जब होता है स्टेज पे तो यहाँ पे बैठ के जो है वो सुनते हैं, सब सारे सुनते हैं। तो हम तो ये साइड में देख रहे हैं बहुत बड़े लंगर हाल बने हुए हैं, हाल रिहायशी जो कमरे वो बने हुए हैं, इस साइड में भी हाल बने हैं, ऊपर भी जो है ये सारे कमरे बने हुए हैं। तो जब मेला होता है तो बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग आगे स्टे करते हैं, और अभी भी जो है लोग जो हैं जब पंजाब से सिंध जाते हैं तो रास्ते में यहाँ पे भी स्टे करते हैं। तो ये जो है ये जगह है जहाँ पे भजन कीर्तन होता है, ये आप देख रहे हैं रामापीर और हज्जी भाटी, और ऊपर से ये जो है बहुत ही खूबसूरत बैनर के साथ सजाया गया है, और यहाँ पे टफ टाइल लगी हुई है, और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के जितने भी हिंदू हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, हर तरह के जो हैं हमें पूरे पाकिस्तान से जो हिंदू हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सवाई है, अमरकोट रहने वाला है। अच्छा, अमरकोट से रहने वाले हैं, और आप यहाँ पे हिंगलाजी माता जा रहे हैं तीर्थ यात्रा के लिए? हम तो सारे पाकिस्तान के लोग सारे भी इस मेले में आएंगे, यहाँ पे पहले दार तीर्थ करेंगे। अच्छा, बाद में जाएंगे। अच्छा, तो दोस्तों जैसे ही हिंगलाज जाने के लिए जो कराची का रास्ता लेना पड़ता है, तो यहाँ से पहले आना पड़ता है, और यहाँ से फिर हम आगे का रास्ता लेके हम जाते हैं। तो ऑल ओवर पाकिस्तान, पंजाब, सिंध और सारे यहाँ पे इकट्ठे होकर फिर हिंगलाज माता की तरफ निकलते हैं। ये दूसरे हैं जो ये यहाँ से जा रहे हैं चूड़ियों मंदिर। अच्छा, हिंदुस्तानी बार्डर के साथ बिल्कुल चूड़ियों मंदिर है उधर, ये वो उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अच्छा, तो कुछ जो हैं ऑल ओवर जितने भी जो भी यात्री आता कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यात्रा कर पाएँ, कुछ जो हैं इंडियन बॉर्डर के पास चूड़ियों मंदिर है वहाँ पर जा रहे हैं, कुछ जो हैं यहाँ से स्टे करके जाएँगे। जो कि रामावीर का मंदिर जो मैंने आपको दिखाया, मज़ीद हम चलते हैं बाहर और मार्केट वगैरह भी हम आपको दिखाते हैं, और साइड में ये जो है जितना भी खूबसूरत व्यू है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे छोटी सी ज्वेलरी की दुकान जो हैं वो लगी हुई हैं, और इस साइड में भी काफ़ी सारी जो दुकानें हैं माता रानी की, जो चुनरी वगैरह वो मिलती हैं, ज्वेलरी के कुछ सामान है वो वगैरह मिलता है यहाँ से। जो ध्वजा है वो इसी मंदिर के जो हैं, जैसे हम एंटर होते हैं तो एंटर होते ही राइट साइड में जो है रामावीर की ध्वजा जो है वो लगाई गई है इस तरह से। जो है काफ़ी सारे हॉल्स और कमरे बने गए हैं जिसमें
4500 से 4000 जो हैं बंदे रहने का इंतज़ाम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कमरे और खुले खुले जो हाल हैं, उसके अलावा भी जो कीर्तन का हाल वो अलग है। तो यहाँ पे 4000 से 4500 जो बंदे हैं वो रह सकते हैं यहाँ पे। तो ये था रामा पीर का जो है सिंध के अंदर जो है रामा पीर का जो है मेन स्थान था जो मैंने आपको दिखाया। और मज़ीद हम आपको चल के जाके बाहर की जो मार्केट से वो दिखाते हैं टंडो अलैयार की। जो यात्री है यहाँ से प्रसाद लेके मंदिर के अंदर जो है एंटर होते हैं। क्या नाम है आपका? खानू राम। और आपका? कन्हैया लाल। तो ये भाई हैं कन्हैया लाल और ये हैं खानू राम, और इन्होंने दुकान है और यहाँ से प्रसाद वगैरह लेके मंदिर के अंदर यात्री आए जो हैं वो लेके जाते हैं। जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है पंजाब के अंदर जो है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी लेकिन सिंध के अंदर आगे बहुत ज़्यादा गर्मी इधर लग रही है और यात्री जो हैं वो गर्मी से थोड़े परेशान हैं। तो जैसे ही शाम होगी और रात में फिर मौसम ठीक हो जाएगा।